सेल्फ स्टडी इज पिलर ऑफ सक्सेस बाय एस झा। एस झा एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस हैं छत्तीसगढ़ वित्त सेवा में। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन किया है और कृषि अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी में पीजी कर रहे थे, तभी मध्य प्रदेश सिविल सर्विस में सफल होकर ज्वाइन किया। सर्विस करने के दौरान LLB भी किया। प्रोफेशनल ट्रेनर इन फाइनेंशियल रूल्स के रूप में IPS को PHQ में और सिविल सर्वेंट्स के कई बैच को एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन निमोरा रायपुर में ट्रेनिंग देने का अनुभव है और कई महत्वपूर्ण विभागों में जैसे कि एम्स रायपुर, DGP ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रशासन अकादमी, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ कामधेनु, आयुष एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं एस झा, एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस छत्तीसगढ़ वित्त सेवा से। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मेरे टॉपिक का शीर्षक है सेल्फ स्टडी इज द पिलर ऑफ सक्सेस। मित्रों, मेरा यह मानना है कि कोई भी स्टूडेंट अपने एकेडमिक कैरियर में सेल्फ स्टडी के बदौलत किसी भी एग्जाम की बढ़िया से तैयारी कर सकता है और उसमें काफी उच्च अंक हासिल कर सकता है, क्योंकि मैंने भी अपने एकेडमिक कैरियर में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो अंडर ग्रेजुएशन PG से संबंधित थे, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज से संबंधित थे, बहुत सारे एग्जाम में सेल्फ स्टडी के बदौलत मैंने सफलता हासिल की है और आज एक सिविल सर्वेंट के रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मेरा यह मानना है कि सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए मैं आप स्टूडेंट के साथ अपने एकेडमिक एक्सेलेंस के आधार पे प्रोफेशनल कैरियर्स जो सिविल सर्वेंट के रूप में प्राप्त हुआ है उसके आधार पे कुछ अनुभव शेयर करूं और आप में एक नया कॉन्फिडेंस पैदा करूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह मेरा पहला वीडियो है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सेल्फ स्टडी की बदौलत कोई भी छात्र न केवल अपने स्टडी क्वालिटी को काफी इम्प्रूव कर सकता है, बल्कि लगातार सेल्फ स्टडी करने पे उसमें एक विशेष प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी भी स्टूडेंट के कैरियर में अगर उसका स्टडी मेथोडोलॉजी काफी इफेक्टिव हो जाए तथा सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी डेवलप हो जाए तो न केवल भारत का बल्कि दुनिया का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सफल होकर रहेगा। परंतु यक्ष प्रश्न यह है कि क्या इस तरह का सेल्फ स्टडी अपने आप हो जाएगा या उसका कुछ विशेष क्राइटेरिया होता है। तो मेरा यह मानना है कि जिस तरह का मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ वो कुछ विशेष प्रकार के सेल्फ स्टडी है। इसके लिए हमको प्रिपरेशन प्लान की आवश्यकता होती है और जिस तरह का मैं आपको इस वीडियो के तहत संक्षेप में टिप्स दे रहा हूँ उसको आप पहले सुनिए, उसके बिंदु आपको कैसे लगे इस पे जरूर आप कमेंट दें, ये किस तरह से आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा है उस पे प्रतिक्रिया दें, या आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मार्गदर्शन दें, इससे और बेहतर वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आइए सेल्फ स्टडी के तहत किस तरह का प्रिपरेशन प्लान की आवश्यकता होती है। मित्रों, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को उसका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, उसको तय करना बहुत जरूरी है। एक बार जब आप तय कर लें कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है तो यह आपका गोल हो गया। इसके बाद आपको यह आपको देखना है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका सिलेबस क्या है, इस भली भांत परिचय होने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला बिंदु है टारगेट सेट करना, कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अपियर होना है यह सेट करना। दूसरा बिंदु है कि उस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या सिलेबस हैं, उस सिलेबस के बारे में पूर्ण परिचय प्राप्त करना। फिर तीसरा बिंदु है कि उसका कोर्स मटेरियल्स क्या है। मित्रों, हो सकता है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के डिफरेंट पोर्शंस को कवर करने के लिए आपको बहुत सारे बुक्स की जरूरत हो, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत हो और तथा जरूरत हो तो गूगल बाबा का भी आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि अधिक से अधिक अध्ययन आप हार्ड कॉपी का करें और इंटरनेट का प्रयोग आप कम से कम करें, क्योंकि इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग करने से मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेल्दी कंपनी ऑफ फ्रेंड्स रखें। मेरा ऐसा मानना है
कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करते हैं तो सिमिलर नेचर ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का तैयारी करने वाले एक या दो मित्र को आप अपने ग्रुप में जरूर ऐड करें और उनके साथ ग्रुप स्टडी का प्लान बनाएं और ग्रुप डिस्कशन करें। जिस विषय में आप अच्छे हैं उसका नोट्स आप बनाएं और ग्रुप डिस्कशन के साथ आप उस पे प्रकाश डालें। जिस किसी विषय में आपके मित्र अच्छे हैं वह उस टॉपिक से संबंधित स्टडी मटेरियल तैयार करें और वह उस टॉपिक को ग्रुप डिस्कशन के समय में बतावें। इससे यह फायदा होगा कि डिफरेंट टॉपिक्स ग्रुप में बहुत तेजी से कवर हो जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स उसका रिटेन मटेरियल्स आपको जल्दी मिल जाएंगे और आपका रिवीजन बहुत तेजी से होगा, क्योंकि हर एक एकेडमिशियन का मानना है कि एक बार जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ लेते हैं बुक से, फिर उसका नोट्स बना लेते हैं और फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो इससे लगभग 60% के आसपास तैयारी हो जाती है। उसको जितने बार आप ग्रुप डिस्कशंस में उसको रिवीजन करेंगे कम से कम 5-7% मार्क्स इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा यह है कि आप स्लीपिंग आवर्स को मेंटेन करें, क्योंकि स्लीपिंग आवर्स आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार होना बहुत जरूरी है ताकि आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रह सके। जब स्लीपिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट आप पूरी करेंगे तो आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे और इससे आप प्रसन्नचित होकर के अध्ययन करेंगे, अपने रूटीन को मेंटेन करेंगे, तो इससे आपकी स्टडी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है कि आप डेली बेसिस पे फिजिकल कंडीशनिंग करें। फिजिकल कंडीशनिंग से मेरा यह आशय है कि आप प्रत्येक दिन 1-1.5 घंटा आप जरूर या तो रनिंग करें या जॉगिंग करें या ब्रिस्क वॉकिंग करें या मेडिटेशन करें। इससे फायदा यह होगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर का आपके ब्रेन का काफी ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन होगा, इससे आपके ब्रेन के ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़े रहेंगे, इस आधार पे आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत तेजी से समझ सकते हैं। मित्रों, यह मेरा पहला वीडियो है, मुझे लगता है कि इसको सुनने के बाद आपकी कई जिज्ञासाएं आएंगी, आप अपने जिज्ञासा को प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो जिसमें मैं इन टिप्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा आकर्षक हो सके। और मित्रों, अंत में मैं एक फेमस कोट के साथ इस प्रथम वीडियो का समापन चाहता हूं कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आप विनर बनिए मित्रों और मैं आपके साथ हूँ। आप इस पहले वीडियो पे मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियोज में मैं अपने टिप्स ऑफ स्टडी प्लान्स को मैं डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।